वक्त का मुकाबला सख्त, काउंटडाउन शुरू। इंतखाबी मुहिम का वक्त खत्म होने में 9 घंटे बाकी रह गए। जलसे, जुलूस, रैलियां, कॉर्नर मीटिंग्स की आज रात 12 बजे तक इजाजत। ज़ाब्ता अख़लाक की खिलाफ वर्जी पर सख्त एक्शन होगा। मुस्लिम लीग नून का लाहौर और कसूर में आज अवामी ताकत का मुजाहरा। नवाज शरीफ, शहबाज शरीफ और मरियम कारकुनों का लहू गरमाएंगे। बिलावल भुट्टो लाड़काना में जालों का जोशो जज्बा बढ़ाएंगे। एमकेएम पाकिस्तान की कराची में रैलियों की तैयारियां। रात 9 बजे खालिद मकबूल सिद्दीकी, मुस्तफा कमाल और दीगर कायदीन खिताब करेंगे। मौलाना फजल रहमान का डेरा इस्माइल खान में जलसा। सिराजुल हक देर में गर्जे और बरसेंगे। सरबराह सहकाम पाकिस्तान पार्टी जहांगीर तरीन का लोधरा में पावर शो होगा। आम इंतखाबात पर अमन और शफाफ होंगे, किसी को कानून हाथ में लेने की इजाजत नहीं देंगे। कयास आरायों के बावजूद 8 फरवरी को इंतखाबात हो रहे हैं। निगरान हुकूमत ने अपनी जिम्मेदारी पूरी कर दी। इलेक्शन के बाद मुंतखब नुमाइंदे हुकूमत चलाएंगे। वफाकी वजीर इत्तला की दीगर वुजरा के हमरा प्रेस कॉन्फ्रेंस। वजीर दाखिला गौहर एजाज बोले, वोटर्स को मुकम्मल सिक्योरिटी फराहम करेंगे। अवाम निकलें और इत्मीनान से हक राय दही इस्तेमाल करें। मुल्क भर में 16,766 पोलिंग स्टेशन इंतहाई हसास करार दे दिए। 29,000 से ज्यादा पोलिंग स्टेशन को हसास करार दिया गया है। आम इंतखाबात पर अमन बनाने का मिशन, पाक फौज ने कंट्रोल संभाल लिया। पंजाब के कई शहरों में जवान पहुंच गए। कसूर और शेखपुरा में फौज तैनात। लाहौर, मुल्तान, मंडी बहाउद्दीन, चकवाल, जहलम, सरकोदा समेत दीगर इजला के लिए जवान रवाना। महकमा दाखिला पंजाब का कहना है, तमाम इजला से राबते में हैं। इलेक्शन में अमन अमान की सूरत हाल को यकीनी बनाना अवलीन तरजीह है। हसास पोलिंग स्टेशन पर सीसीटीवी कैमरों की तंसीब का काम भी जारी। इंतखाबात सिर्फ 2 दिन की दूरी पर। इंतखाबात के लिए 26 करोड़ बैलेट पेपर्स की तरसील मुकम्मल। सख्त सिक्योरिटी में बैलेट पेपर्स और इंतखाबी सामान रिटर्निंग अफसर के हवाले किया गया। इलेक्शन कमीशन ने वोट के लिए असल शनाख्ती कार्ड लाजमी करार दे दिया। जायदुल मयाद शनाख्ती कार्ड पर भी वोट डाला जा सकेगा। शनाख्ती कार्ड की फोटोकॉपी या सॉफ्ट कॉपी वोट डालने के लिए काफी नहीं होगी। शनाख्ती कार्ड के अलावा कोई दस्तावेज बशमूल पासपोर्ट, फॉर्म बी या ड्राइविंग लाइसेंस भी पोलिंग स्टेशन पर काबिल कबूल नहीं होगा। जदीद दौर में एक न्यूज का नया आगाज। इंतखाबात की सबसे बड़ी कवरेज, एक इलेक्शन सिटी सबको भाग गई। जदीद स्टूडियोज, वर्चुअल और ऑगमेंटेड टेक्नोलॉजी, एक न्यूज की खसूसी इलेक्शन ट्रांसमिशन। इंतखाबात का माजी, हाल और मुस्तकबिल, मायानाज एंकर्स और तजियाकारों के न्यूज रूम से बराह रास्त जानदार तजिए। बेहतरीन और मुनफरिद ग्राफिक्स, डिजिटल स्टूडियो से सोशल मीडिया की मुकम्मल अपडेट टच स्क्रीन पर। हल्कों की मालूमात SMDs पर, अदादोशुमार दिखाएंगे व्हाइट बोर्ड पर, कौन कब जीता, कौन कब हारा, आगे क्या होने जा रहा है। कराची से खैबर तक मुल्क के हर कोने कोने, गली मोहल्लों और छोटे बड़े हल्कों में इंतखाबी मुहिम। जलसे, जुलूस, जोड़ तोड़, कॉर्नर मीटिंग्स और रैलियों की लम्हा ब लम्हा और मुस्तनद कवरेज, सब मनाजिर सिर्फ और सिर्फ एक न्यूज पर। दिन भर में इंतखाबात के लिए 19,008 पोलिंग स्टेशन कायम, 6,650 हसास और 6,801 इंतहाई हसास करार। निगरान वजीर आला सिंध मकबूल बाकर की जेर सदारत अमन अमान से मुतालिक अहम बैठक। IG पुलिस की ब्रीफिंग, बताया हर पोलिंग स्टेशन में 4 पुलिस एहलकार ड्यूटी देंगे। हसास पोलिंग स्टेशन पर 5 और इंतहाई हसास पर 7 पोलिंग पुलिस एहलकार तैनात होंगे। कोर कमांडर कराची ने कहा, तमाम फौजी जवान और अफसरान अपनी ड्यूटी के इलाकों में पहुंच चुके हैं। पंजाब में इलेक्शन की तमाम तैयारियां मुकम्मल। पोलिंग मवाद पहुंचा दिया गया। 50,000 से ज्यादा पोलिंग स्टेशन कायम। 5,00,000 पोलिंग स्टाफ तैनात होगा। इलेक्शन कमिश्नर पंजाब एजाज अनवर चौहान कहते हैं, पंजाब में 7 करोड़ से ज्यादा वोटर्स हैं। तमाम जमातों का लेवल प्लेइंग फील्ड देंगे। उधर इलेक्शन कमिश्नर खैबर पख्तूनख्वा बोले, हम इंतखाबात के लिए तैयार हैं। बैलेट पेपर्स तकसीम, आरओज और DROs की तैनाती हो चुकी है। एक सवाल के जवाब में बोले, मोबाइल सर्विस मुअत्तली का फैसला अभी भी नहीं हुआ। नून लीग के मंशूर का एक एक लफ्ज अहदनामा आवाम जानते हैं। नवाज शरीफ वादा पूरा करते हैं। पार्टी कायद के जाने का खमियाजा आवाम को भुगतना पड़ा। गालम गलोच की सियासत ने पाकिस्तान को यहां तक पहुंचा दिया।
मरियम औरंगजेब की लाहौर में प्रेस कॉन्फ्रेंस। कहा ट्रांसपेरेंसी इंटरनेशनल ने चोर चोर कहने वालों को बेनकाब कर दिया। शहबाज शरीफ की क्यादत में पाकिस्तान को दिवालिया होने से बचाया। 8 फरवरी को आवाम अपने वोट का इस्तेमाल करें। कौम के वोट ने पाकिस्तान के मुस्तकबिल का फैसला करना है। मैं लाहौर को गाली देने नहीं आई हूँ या उसको कचरे का ढेर कहने नहीं आई हूँ, ठीक है जी। बात हम सबको इज्जत और एहतराम की नजर से देखते हैं। धौंस धमकी के साथ इलेक्शन नहीं होते। पीपल्स पार्टी कभी ऐसे हथकंडों से नहीं डरी। इलेक्शन कमीशन किसी पार्टी में तफरीक न करे। मस्तूंग से लेकर यहां तक जो हमले हो रहे हैं उनका नोटिस लें। फैरी रहमान का मुतालबा। लाहौर में प्रेस कॉन्फ्रेंस करते हुए बोली, ये इलेक्शन है, चुनाव है, दंगल नहीं। हम नफरत और सियासत की तकसीम नहीं चाहते। आप तनकीद करें, ये इलेक्शन का हुस्न है, लेकिन धमकियाँ मत दें, ये किसी को जेब नहीं देता। तहरीक इंसाफ बल्ले का निशान वापस लेने के लिए सुप्रीम कोर्ट चली गई। नजरसानी अपील दायर। 13 जनवरी के फैसले पर नजरसानी की इस्तदा कर दी। दरखास्त में मौकिफ अपनाया। इंट्रा पार्टी इंतखाबात पार्टी आइन के मुताबिक करवाए। सुप्रीम कोर्ट ने इंट्रा पार्टी इंतखाबात से मुतालिक हकायक का दुरुस्त जायजा नहीं लिया। इलेक्शन कमीशन भी इंट्रा पार्टी इंतखाबात का जायजा लेने का इख्तियार नहीं रखता। पेशावर हाईकोर्ट का फैसला बहाल और इंतखाबी निशान वापस लेने का फैसला कलदम करार दिया जा रहा।